हेलो डिफेंस एस्पिरेंट, तो आप सभी के लिए खुशखबरी है। जो अग्निवीर स्कीम में जो चेंजमेंट है या फिर एसएसएस जो सैनिक सम्मान स्कीम में जो अग्निवीर से चेंजमेंट होकर जो स्कीम में इसमें इंप्लीमेंट होना था वो बहुत जल्दी होने वाला है। कल एक न्यूज़ आर्टिकल है जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने जारी किया है, आप देख सकते हैं। अगर आप टाइम्स ऑफ इंडिया को फेक मानते हो तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। उनकी ये रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं। अपडेट June 26, 2024 को कल इसका पब्लिश हुआ था 1 बजे, तो मैं सोचा आपको बताऊँ। आप बहुत दिन से पूछ रहे थे कि इसका अपडेट बताओ। तो अपडेट में ये चीज़ें बहुत सारी चीज़ें आया हुआ है, तो यहाँ पर मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। यहाँ पर इन्होंने वहाँ भी मेंशन किया है जो 17 से लेके 21 और रिटेन जो प्रोसेस था आपका 25% 15 साल के लिए, वहाँ पर भी उन्होंने मेंशन किया है। जो नया अपडेट वहाँ पर मिला है यहाँ पर ये देख सकते हैं, इस पैराग्राफ को आप पढ़ सकते हैं। रिसेंटली ए ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज ऑफ 10 की मिनिस्ट्रीज वेयर टास्क टू रिव्यू द स्कीम। 10 मिनिस्ट्री स्टाफ को यहाँ पर मिला है, 10 मिनिस्ट्री सेक्रेटरी जब ग्रुप को यहाँ पर टास्क मिला है कि इस स्कीम की वो रिव्यू करें और रिव्यू करके सजेशन दे। यहाँ पर देख सकते हैं आप, रिसेंटली ए ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज फ्रॉम 10 की मिनिस्ट्रीज, जो मिनिस्ट्रीज हमारा होता है, डिफेंस मिनिस्ट्री होता है और सारे मिनिस्ट्रीज होता है, उनको 10 ऐसे मिनिस्ट्रीज को यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट मिला है आर्मी ऑफिशियल्स के साथ, एयरफोर्स नेवी ऑफिशियल के साथ, कि आप जाइए और वहाँ पर आप ड्रॉबैक्स देखिए क्या इम्प्लीमेंट होना है क्या इम्प्लीमेंट नहीं होना है। दे आर आस्क्ड टू सजेस्ट वेज टू मेक द आर्म्ड फोर्सेस रिक्रूटमेंट प्रोग्राम मोर अट्रैक्टिव। उनको ये भी बुलाया गया है कि जो आर्म्ड फोर्सेस का जो रिक्रूटमेंट रैली है वो अभी अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है, क्योंकि अग्निवीर स्कीम में जो 25% और 75% ऊपर से 4 साल वाला ये जो चीज़ें हैं और बहुत सारे ड्रॉप ब्रेक्स हैं उनको ट्रेनिंग्स को लेके, ये सारे चीज़ों को चेंज करिए, रिव्यू करिए। द स्कीम बिकेम ए की इलेक्शन इशू, ये जो स्कीम था एक की इलेक्शन इशू था बीजेपी गवर्नमेंट का। तो यहाँ पर जो आगे की इलेक्शन आ रहा है उसमें बीजेपी गवर्नमेंट ये नहीं चाहता कि जो एक अग्निवीर है या फिर सैनिक सम्मान स्कीम है जो भी है इंप्लीमेंट हो जाए, और ये एक मुद्दा ना आ रहा है स्पेशली जो पोल कैंपिंग है, जो इलेक्शन कैंपिंग है, क्योंकि इस बार थोड़ा सा ही बच गया बीजेपी गवर्नमेंट हटने से, थोड़ा सा बहुत मुश्किल से बचा नीतीश कुमार की वजह से। और नीतीश कुमार ने उनको बोला था उस टाइम कि अगर आप रिव्यू नहीं करेंगे अग्निपथ और अग्निवीर स्कीम का भी रिव्यू करना चाहिए, और इसीलिए ये सारे प्रोग्राम चला रहा है। अभी देखते हैं, यहाँ पर लिखा है थी पैनल ऑफ सेक्रेटरी, जो पैनल वहाँ पर किया गया था 10 पैनल की, वहाँ पर जो मेम्बर्स करवाए गए थे मिनिस्ट्रीज, इज एक्सपेक्टेड टू गिव ए फाइनल प्रेजेंटेशन टू मीएम नरेंद्र मोदी। मतलब जो भी आपका रिव्यू हुआ था, जो अभी पिछले बार एक सैनिक सम्मान स्कीम करके एक आया था पेपर आया था, वो कहीं ना कहीं वो आया हुआ है, कहीं ना कहीं ये या तो किसी ने वायरल किया है, किसी ने रिपोर्ट जो बनाया था इन्होंने इम्प्लीमेंट करके, वो सारे चीज़ें हैं। मैंने बोला था हो सकता है PIB इसको चेक करके फेक मानता हूँ कि गवर्नमेंट इसको बोला नहीं, यस गवर्नमेंट अभी बोला नहीं, हम तो वही बोल रहे हैं भाई, कहीं ना कहीं से ये आया हुआ है, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं सच है, 99% वो जो आया था वो PDF आया था, जो पेपर में लिख के आया था सैनिक समाज के, वो बिल्कुल करेक्ट है। अब देखते हैं गवर्नमेंट उसमें क्या इंप्लीमेंट कर रहे हैं। और यहाँ पर लिखा है कि जो पैनल है वो फाइनल कर चुका है आपकी जो भी इंप्लीमेंट है, और एक्सपेक्टेड ये है कि नरेंद्र मोदी को बहुत जल्दी सबमिट करने वाला है। नरेंद्र मोदी मतलब PM इस देश की, प्राइम मिनिस्टर को सबमिट करने वाला, मतलब इन्होंने हर एक चीज़ बिल्कुल डिटेल से बारी कर लिया है, पहले से क्या था आगे क्या चेंज किया इन्होंने, इनको जो ट्रेनिंग को अट्रैक्टिव बनाने के लिए इन्होंने क्या किया, अदर फैसिलिटीज़ का क्या किया, ऑल डिटेल्स जो SSF स्कीम में देखा था ना, वो कहीं ना कहीं 99% वही चीज़ें होने वाला है। आप देखते हैं कि मोदी जी के पास जाने के बाद मोदी जी उसमें क्या इंप्लीमेंट करते हैं या फिर क्या उनको सजेस्ट किया जाता है। ऐसे अगर देखें कोई भी आर्मर्ड फोर्स में जो भी चीज़ें रहते हैं गवर्नमेंट अपने मर्जी से नहीं कर सकता जब तक तीनों जनरल्स का सहमति ना हो, ठीक है, कोई गवर्नमेंट उस पर थोप नहीं सकता। तो अगर इन्होंने क्लियरली वो चीज़ें करके इनको दे दिया है, हो सकता है उसमें 5-10% और चेंजेस हो जाए, लेकिन आपको बहुत जल्दी इसकी आपको फाइनल रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। ये कल का न्यूज़ है टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा। आगे जैसे भी आएगा न्यूज़ में आपको अपडेट करता रहूँगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लेना। हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे साथ ट्रेनिंग करना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। कम्युनिटी पोस्ट में आपको प्राइवेट हमारा जो टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, हमारा एक ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है आर्मी सर ऑफिशियल, प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, आप किसके बारे में क्या राय है आप नीचे कमेंट करिए। जय हिंद, हैप्पी यूनिफॉर्म।